सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल लेजेंड जो गेम है आपका, उस पर जो है आपका डायमंड रिचार्ज जो है बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। तो आप जो है गूगल पे से भी कर सकते हो, फोन पे से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, किसी से भी आप जो है रिचार्ज कर सकते हो, अपना डायमंड परचेस कर सकते हो। तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी से भी जो है आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना डायमंड रिचार्ज पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऊपर में, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्लस आइकन पर। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और जितना भी डायमंड आप परचेस करना चाहते हो तो भाई आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। एग्जांपल के मैं यहाँ पर 50 डायमंड करना चाहता हूँ। ओके, तो 50 डायमंड पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, आप किस ऑप्शन का साथ जाना चाहते हो अपना डायमंड परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है UPI, ये वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, UPI का जो ऑप्शन है तो आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको टिक करके बाय करता हूँ। तो जैसे आप बाय पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले आपको इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपली देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है गूगल पे का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, फोन पे का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पेटीएम का भी मिल जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। आपको मैं सिंपल प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिंपली क्लिक करना है यहाँ पर आधार UPI ऑप्शन पर, ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आधार UPI ऑप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए ये वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो है UPI ID जो है, मतलब मेरा यहाँ पर UPI यूजर नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो आप चाहते हो अपना गूगल पे से या फिर फोन पे से या फिर आप पेटीएम से करना चाहते हो, किसी कहीं से भी अगर आप करना चाहते हो तो उसका जो है आपको यहाँ पर UPI ID डालना पड़ेगा। UPI ID आपको कहाँ से मिलेगा उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जो है आपको सबका मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको मैं फ़ोन पे का भी दे दूँगा। फ़ोन पे का कहाँ से आपको मिलेगा, गूगल पे का कहाँ से आपको मिलेगा, पेटीएम का कहाँ से आपको मिलेगा, सब कुछ वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर जो है चेक कर लेना आपको कहाँ से मिलेगा वो चीज़। ओके, बाकी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपना UPI ID, उसका बाद जो है आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना UPI ID डाल दिया है। अभी जो है मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर जो है मेरा ये हो गया है राइट टिक, मतलब ये जो मेरा UPI ID है, ये जो है UPI ID है, कहाँ का है मैं आपको बता देता हूँ, ये गूगल पे का है। ठीक है, तो मैंने गूगल पे का किया है, अभी आपको सिंपली दिखाया। आप किसी का भी डाल सकते हो यहाँ पर, फ़ोन पे का भी डाल सकते हो, पेटीएम का भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है कि भाई ओपन योर गूगल पे एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखिए मेरा गूगल पे पर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखिए ऊपर वाला नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ पर मेरा जो है गूगल पे ओपन हो जाता है। गूगल पे ओपन होने के बाद यहाँ पर मुझे जो है पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली जो है यहाँ पर पे पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं आपको स्क्रीन शॉट भी ले लेता हूँ, चलिए ये। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पे पर क्लिक करोगे तो जैसे हम लोग पैसे भेजते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर पे कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है सेंड टू पे करिए और उसके बाद जो भी आपका पिन है वो डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पर ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। चलिए मैं कर ही देता हूँ, 95 रुपीज़ है, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरा इसका ओके, चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन डाल देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके करूँगा तो ये जो है अपना जो है सक्सेस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सक्सेस हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ अपना मोबाइल लेजेंड एप्लीकेशन पर, यहाँ पर फिर से चलता हूँ और यहाँ पर आपका आ रहा है बैक। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बैक का ऑप्शन आ रहा है।
तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ओके देखिए यहाँ पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई रहा है कि भाई यहाँ पर जो है आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैंने क्या किया अभी गूगल पे पर जाकर जो है उसको जो है ओके कर दिया है, तो भाई मेरा पेमेंट जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर जो भी अमाउंट है सब कुछ यहाँ पर आ गया है। ठीक है अभी हम लोग बैक कर देंगे, इसको बैक करेंगे अभी जो है, ये देखिए डन हो चुका है और अपना डायमंड जो है आ चुका है और एप कॉइन पर भी जो है मेरा जो है वहाँ पर थोड़ा बोनस मिला है तो वही मुझे यहाँ पर दिखाया है। अभी देखो यहाँ पर मेरा जो है 59 ही, अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आपको करना क्या है, एक बार गेम को ऑफ करके फिर से आपको करना है तो आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है चलिए मैं फिर से यहाँ पर जो है गेम को ओपन कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, यहाँ पर गेम ओपन हो रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ मेरा डायमंड जो है वो अपडेट हो जाएगा, जो 59 था वो 50 डायमंड और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है तो 50 डायमंड जो है आपको ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये गेम ओपन हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, आप अगर पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फ़ोनपे से भी करना चाहते हो तो सब कोई से भी जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है जो भी आप चाहते हो, जो भी आप यूज़ करते हो उससे यहाँ पर हो जाएगा। ये देखिए ऊपर में जो है मेरा डायमंड आ चुका है 114 जो है, अभी ये हो चुका है मेरा डायमंड। तो बहुत ही आसान था ये चीज़ करने के लिए, आप कर सकते हो किसी से भी। तो भाई आपका अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे ही मिलता रहे। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।